हम लोगों ने बिजनेस अभी अभी नया स्टार्ट करा है या फिर पहले चला आ रहा है, क्योंकि तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर टू पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2009 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। ए और बी ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई ऑन 1 अप्रैल 2009 जिसमें कि कोई भी पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं रखी। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। उसमें ए की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। और बी की कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। फिर आगे ऑन 31 अक्टूबर 2009 ए एडवांस लोन ऑफ 2 लाख। ए ने लोन दे दिया कितने का? 2 लाख का, ठीक है। उसमें उसने इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट नहीं रखा, मतलब कि उसको नहीं पता कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा या फिर उसको कब तक मिलेगा या फिर किस रेट से मिलेगा, उसे कुछ नहीं पता, ठीक है। फिर है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 शोड अ प्रॉफिट ऑफ 4,30,000। प्रॉफिट जो आया हमारा उस साल का, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस जो आया, मतलब नेट प्रॉफिट कितना आया? 4,30,000, ठीक है। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज इन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बट जो पार्टनर्स थे वो कंफ्यूज थे कि किस तरह से वो लोग अपने प्रॉफिट को बांटें या फिर किस रेट पर वो अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दें। फिर इसमें बोला है पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक बना लेते हैं क्या अपना वर्किंग नोट, जिससे कि ईजी हो जाए। वर्किंग नोट यहाँ पर जो बनेगा उसमें क्या होगा, एक तो ये रहा ए, ये रहा बी। ए की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। बी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। फिर 31 अक्टूबर को, मतलब कि हाफ मतलब आधा साल निकल गया, ठीक है। उस दिन ए ने लोन दे दिया कंपनी को कितने का? 2 लाख का, ठीक है। अभी यहाँ पर जब हमें पता ही है, यहाँ पे पहले से तो गिवन है विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम कितना इंटरेस्ट देते हैं? 6%, ठीक है। तो इसका 6% कितना होगा? 6/100 कितना आएगा? 12,000। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम इसने लोन कब दिया है? 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो अगर ये 31 अक्टूबर को लोन दे रहा है तो कितने महीने बचे हुए हैं अभी? इसमें बचे हुए हैं 1 नवंबर, मतलब 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर तो ख़त्म ना, उसके बाद कितने बचे हैं? 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 जनवरी, 1 फेब टू 28 फेब एंड 1 मार्च टू 31 मार्च, मतलब कि टोटल 5 मंथ्स बचे हुए हैं। उसके लिए हमने क्या करा, 5/12 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5000 ए का क्या है? 5000 ए का है क्या? IOL, ठीक है। और फिर प्रॉफिट कितना है? 4,30,000। तो अभी मैंने एक और चीज़ बताई थी अपने कुछ पुराने वीडियोस में कि ये जो मेरा IOL है, ये मेरा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या फिर अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है? ये क्या होता है? चार्ज। तो अगर ये चार्ज है, मतलब कि ये मेरे नेट प्रॉफिट को क्या करेगा? कम। और नेट प्रॉफिट हम लोगों को कहाँ से मिलता है? PNL अकाउंट से। ये रहा PNL अकाउंट, यहाँ पर क्या आएंगे एक्सपेंसेस, यहाँ पर क्या आएंगे इनकम, यहाँ पर निकल के आएगा फिर NP। तो अभी IOL इंटरेस्ट क्या है मेरा एक्सपेंस, वो यहाँ पर मैं इसको शो करूँगा, यहाँ पर शो करके अपने इसको अपने नेट प्रॉफिट को क्या कर दूंगा? कम, क्योंकि ये क्या है मेरा एक्सपेंस, ठीक है। तो इस 5000 को मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ से? माइनस, जिससे कि मेरे को क्या मिल जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि कितना है? 4,25,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने पार्टनर्स में ये जो 4,25,000 आया है इसको बांटूंगा और ये क्या है मेरा? डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पर कोई डीड नहीं है, मतलब कि इस प्रॉफिट को मैं कैसे बांटूंगा? 1:1 के रेशियो में, मतलब कि इक्वल, बिकॉज जब पार्टनरशिप डीड किसी पार्टनरशिप फर्म के पास नहीं होती देन वी हैव टू फॉलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे वर्क नोट बना लिया जहां पर कि IOL मेरा कितना है? 5000, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 4,30,000,
ठीक है। अब ये डिविजनल प्रॉफिट मैं बांटूंगा एक बार, बिकॉज उनका शेयर भी अभी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एक तो मैं यहाँ से इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या यूज़ करूँगा, अपना ए का शेयर और बी का शेयर कैसा होगा, इक्वली तो होगा। 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 1 2 3, यहाँ पे 2,50,000, 1 2 3, ये ए और बी का शेयर हो गया प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। तो अब सिंपली जाते हैं और अपने अकाउंट्स में पोस्टिंग कर देते हैं और साथ में जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं। देखिए जब लोन आया होगा हमारे पास, ठीक है, लोन आया होगा तो हमने क्या एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ठीक है। बट ये एंट्री करी होगी हमने 1 अप्रैल या फिर मतलब या फिर हम लोगों ने साल के बीच में, जैसे कि यहाँ पर डेट क्या दे रखी है 31 अक्टूबर, ठीक है। तो अभी हम लोग साल के एंड में हैं और साथ में ये एडजस्टमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 31 मार्च में क्या एंट्री आएगी, 31 मार्च में एंट्री आएगी जो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने अभी अभी चार्ज करा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा क्या था, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ते तो क्या करते उनको डेबिट, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, IOL अकाउंट डेबिट टू। अभी जब मैं एडजस्टमेंट्स पास कर रहा हूँ तो मैं अभी के अभी कैश नहीं पे कर दूंगा अपने पार्टनर को, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने ड्यू कर दिया। ड्यू करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अपनी लाइबिलिटी मैंने और बढ़ा ली जो कि मेरे को ए को पे करनी थी वापस, ठीक है। अगर ए को पे करने वाली लाइबिलिटी और बढ़ गई, मतलब कि जो लाइबिलिटी का नेचर जो था मेरा क्रेडिट, उसमें और ऐड कर दिया मैंने, तो इसीलिए जब मैंने बढ़ाई तो उसको और मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेडिट इज लोन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे IOL का अमाउंट कितना था, 5,000, और यहाँ पर जितने अमाउंट से मेरा एज लोन अकाउंट बढ़ा है वो कितना है, 5,000, ठीक है। एक एंट्री ये हो गई। फिर 31 मार्च को अब मैं प्रॉफिट बांटूंगा अपने पार्टनर्स में, क्योंकि यहाँ मेरे पास डीड नहीं है, तो मैं IOC भी नहीं दे रहा, ना तो IOD ले रहा, ना तो सैलरी दे रहा और ना कमीशन ले रहा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अपना डिविजिबल प्रॉफिट मैं सीधा का सीधा बांट दूंगा, ठीक है। तो जब डिविजिबल प्रॉफिट बांटूंगा तो क्या होगा, जैसे कि मैंने ये रहा मेरा PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये रही मेरी क्या डेबिट साइड, ये रही मेरी क्या क्रेडिट साइड, ठीक है। जहाँ पर आता है मेरा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, मेरी इनकम ज़्यादा हो गई, एक्सपेंसेस कम हो गए, ठीक है। तो अभी बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर मैं DP लेके आ जाता हूँ। तो ये जो DP मैं लाया, यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करता हूँ किस में, पार्टनर्स के अंदर, यहीं पर डिवाइड कर देता हूँ ना। तो एंट्री क्या होती है, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्या होती है, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, यहाँ पर यही तो लिखते हैं हम लोग फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो अब वो सेम एंट्री यहाँ पर आ जाएगी और वो क्या होगी, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। अब इनका अमाउंट कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, PNL अप्रोप्रिएशन टोटल कितना था हमारा प्रॉफिट, 4,25,000, ठीक है। अभी ये मेरे को बांटना, अभी देखो मैंने यहाँ पर शेयर कैलकुलेट भी कर रखा है AOB का, बट ये मैंने यहाँ पर एक गलती करी हुई है, वो गलती ये करी कि मैंने शेयर 4,25,000 को नहीं बांटा, मैंने इसको बांट दिया। तो ये वो गलती है जो कि नॉर्मली हम लोग एग्जाम देते वक्त कर देते हैं, तो इन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम अभी मैं किस प्रॉफिट को बांटूंगा, अभी मैं बांटूंगा इस वाले प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स के बीच में। तो उसका कितना अमाउंट आएगा, उसका यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 5 10, कितना आया, 2,12,500, सेम यहाँ पे आ गया 2,12,500, ठीक है। तो ये मेरी एंट्री होगी किसकी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आते हैं हम लोग किस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा इसका, देखिए यहाँ पर मेरे को कैपिटल्स भी दे रखी हैं, ठीक है। सिंपली अब यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कि हम लोगों ने बिजनेस अभी अभी नया स्टार्ट करा है या फिर पहले से चला आ रहा है, क्योंकि अगर बिजनेस मैंने अभी अभी स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली मैं अभी अभी कैश लेकर आऊँगा अपने बिजनेस में, ठीक है। और अगर पहले से चला हुआ आ रहा है तो फिर वो बैलेंस ब्रॉड डाउन मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा अगले साल, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आया कि दे एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल, मतलब कि उन्होंने एक नई फर्म खोली, नई फर्म खोली मतलब कि कैश आया, ठीक है, कैश आएगा, कैश से उन लोगों ने अपनी कैपिटल बनाई, ठीक है। तो डेट क्या, वो डेट क्या होगी जिस दिन कैश लाए होंगे, 1 अप्रैल, ठीक है। बाय कैश अकाउंट,
ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने अपने कैपिटल बढ़ाई तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी कितना ए कितना लेकर के आया, ए लेकर के आया 5 लाख, बी लेकर के आया 3 लाख, यहां लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अभी यहां पर और कुछ तो हुआ नहीं ना, आईओसी भी नहीं था, आईओडी भी नहीं था, सीधा हम लोगों ने डीपी बांट दिया। तो डीपी बांटेंगे, डीपी का बांटेंगे हम लोग 31 मार्च को। ठीक है, उस दिन क्या एंट्री पास करी है हम लोगों ने, ये वाली एंट्री पास करी है, इनको क्या कर रहा है कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, तो ये रहा ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय यहाँ आ गया क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कितना बांटा है मैंने, यहाँ बांटा है मैंने 2,12,500, यहाँ पर 2,12,500, टोटलिंग कर दो यहाँ पर, टोटलिंग करेंगे तो कितना आएगा, टोटली करके देख लिया कितना आ गया 5,12,500, 7,12,500, यहाँ कितना आ गया 5,12,500, यहाँ कितना आ गया 7,12,500। ठीक है, अब 31 मार्च की जब मैंने बैलेंसिंग करी तो क्या होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या है मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एस कैपिटल अकाउंट, और ये क्या है मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे क्लोजिंग बैलेंस, और ये मेरा हो गया पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्या है ए इज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए जब लोन आया तो एंट्री क्या पास करी होगी, कैश आया होगा ना, लोन आया होगा या फिर कैश या बैंक जो भी आया होगा। ठीक है, तो उसको तो हमने करा होगा डेबिट, साथ में हम लोगों ने किसी से उधार मांगा है। ठीक है, मेरी लायबिलिटी बनी होगी, उसको मैंने क्या करा होगा क्रेडिट। ठीक है, तो इसको तो मैं क्या करूँगा क्रेडिट, डेबिट क्या करूँगा, डेबिट का कैश आया मेरे पास। ठीक है, तो ये एंट्री मेरी कब हुई है 31 अक्टूबर को। ठीक है, क्या आया बाय बैंक अकाउंट, ए ने कितने दिए 2 लाख। ठीक है, अब मैंने 31 मार्च को क्या करा, IOL इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट दिया बट उसको कैश नहीं दिया, उससे उसके उसके मतलब उसके लोन अकाउंट के अंदर इंक्रीज कर दिया और अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली। ठीक है, तो उसकी एंट्री मैंने ऊपर पास करी हुई है, क्या है IOL अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, इसकी पोस्टिंग करेंगे अब लेजर पोस्टिंग, तो क्या होगी टू कर रखा है, मतलब एज लोन अकाउंट क्या कर रखा है मैंने क्रेडिट, तो एज लोन अकाउंट क्रेडिट बाय IOL, बाय का मतलब क्या है यहाँ पर डेबिट, टू का मतलब क्या था वहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, कितना है ये 5,000। ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2,05,000। ठीक है, यहाँ पर भी 2,05,000। अभी यहाँ पर 31 मार्च को मैंने क्या करी इस अकाउंट की बैलेंसिंग, क्या आया यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 2,05,000। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते करते अपना बनाना है क्या वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ऐसा बनाना है कि हमें क्वेश्चन मतलब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन पेपर को दोबारा से रीड करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे वर्किंग नोट पहले बना लेंगे हम लोग। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है ए बी, कैसे शेयर कर रहे हैं ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वल मतलब कि 1:1। Business is being carried from the property owned by A on a yearly rent of 24,000. मतलब कि A ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी बिजनेस को यूज करने के लिए, उस पर उसने चार्ज क्या करा रेंट, तो रेंट हमारा कंपनी का एक्सपेंस होता है, फिक्स एक्सपेंस होता है, लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये अगर फिक्स्ड है तो कहाँ जाएगा, मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा पीएनएल अकाउंट में, मतलब कि मेरे को लॉस हो प्रॉफिट हो मेरे को ये पे करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये जाएगा किस में पीएनएल अकाउंट में, मतलब कि ये क्या है मेरा चार्ज। ठीक है, तो रेंट का अमाउंट इसने कितना बताया है 24,000 ईयरली है, लिख दिया यहाँ पे 24,000 ईयरली। ठीक है, बट ये है क्या मेरा चार्ज, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले मैं इस वाली कॉलम के अंदर इसको क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर क्या बोला है ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम। ठीक है,
तो ये क्या था मेरा रेंट, ये क्या था मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्या था मेरा रेंट, अब क्या आ गई सैलरी। ठीक है, ए को कितनी चाहिए, 1,20,000 पर एनम। फिर बी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट सेल्स। बी क्या मांग रहा है, कमीशन मांग रहा है बी, तो बी का कमीशन यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, उसका नेट सेल्स पे, तो नेट सेल्स कितनी है मेरी, नेट सेल्स है मेरी 30 लाख, तो 30 लाख का 5,000 कितना, 5% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए 15, 1, 2, 3, 4, तो बी को चाहिए 1.5 लाख रुपए एज अ कमीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज दिस। मतलब कि रेंट माइनस करने से पहले मेरा एनपी नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन। अब इसके बेसिस पे मैं अपना पूरा का पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे, ये देखिए, पहले क्या लेके आएंगे हम लोग अपना प्रॉफिट, तो क्या आ गया यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मैंने ये बैलेंस ट्रांसफर किसमें से करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। ठीक है, तो इस जगह पर एंट्री क्या जा रही होगी, जो मैंने पहले बताई थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखें यहाँ पर, तो बाय का मतलब क्या है, डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू का मतलब क्या था, क्रेडिट। ठीक है, कितना है यहाँ पर, ये 5 लाख था बिफोर चार्जिंग रेंट, बट मुझे कैसा चाहिए आफ्टर चार्जिंग रेंट। ठीक है, तो वो 24,000 मैंने इसमें से क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट, वो 24,000 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4,76,000। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, है ना, अब हम लोगों को क्या कहते हैं, क्वेश्चन दोबारा से रीड नहीं करना, आप देखना है अपना सिर्फ वर्किंग नोट। फिर क्या देखा हम लोगों ने, रेंट हमने निकाल दिया, फिर क्या है, सैलरी है, तो सैलरी अपना एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड पर लिख दिया टू सैलरी, दो लोगों की सैलरी किसकी है, सैलरी यहाँ पर एक ही है, तो लिखना पड़ेगा अलग से, क्या इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसकी सैलरी कितनी है, 1,20,000 यहाँ पर लिख दी, 1,20,000। ठीक है, फिर क्या आता है, कमीशन, कमीशन कितना है, बी को मिलना है कमीशन 1,50,000, फिर से यहाँ पर लिखा क्या, टू कमीशन। अब इसको किसको मिल रहा है, बी, बी को मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बी इज कैपिटल अकाउंट 1,50,000। ठीक है, फिर यहाँ पे और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, मतलब कि मैंने सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पर क्या कर दी। ठीक है, अब सिंपली क्या करूँगा, इस अकाउंट की बैलेंसिंग वो कितनी होगी, 4,76,000, यहाँ पर भी क्या आ गया, 4,76,000 ज़्यादा ही है। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पहले क्या एज कैपिटल अकाउंट, फिर क्या बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये कितना है, 2,70,000, इसको मैंने क्या करा, इसमें से माइनस, 2,70,000 को माइनस कर लेते हैं यहीं पे, कितना आएगा, 2,06,000। ठीक है, कितना, 2,06,000 मेरा यहाँ पर क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, इसको मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा, 2,1,2,0,2,3 से 1,2,3, सिमिलर यहाँ पर आ जाएगा 1,2,3, ये क्या हो गया मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री की पोस्टिंग। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, और हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया।